जितना जरूरी है किसी काम को शुरू करना या किसी काम को करना, उससे भी ज्यादा जरूरी है किसी काम को सही समय पे करना। यस माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज का ना एक समय रहता है। एक टाइम था जब इंडिया में आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बूम था, फिर एक टाइम था जब इंडिया में इंश्योरेंस का बूम था, फिर एक समय था जब इंडिया में प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का बूम था। अब इस समय इंडिया में एक कमाल के बिजनेस की धूम मचने वाली है और वो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। यस फ्रेंड्स, यू हर्ड इट राइट, नाउ इज द राइट टाइम, द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। आप इस वीडियो में देखिएगा, मैं आपके सामने कुछ डेटा, कुछ जानकारी, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा जो इस बात को प्रमाणित करेंगे कि नाउ इज द राइट टाइम टू गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। एक बहुत बड़ा बूम इस बिजनेस में आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों और सालों के अंदर में आप इंडिया में देखेंगे। आज इस वीडियो के लिए मैंने कई महीनों की रिसर्च से आपके लिए 6 ऐसे कमाल के फैक्ट्स एंड फिगर्स ढूंढ के निकाले हैं जो आपको इस इंडस्ट्री की पावर और आने वाली ग्रोथ के बारे में बताएंगे। मेरा पहला इंफॉर्मेशन और पहला डेटा है एक संस्था के माध्यम से जिसका नाम है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और यह संस्था बेस्ड है USA में और पिछले 40 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बढ़ोतरी के लिए, प्रोत्साहन के लिए काम कर रही है। इस संस्था ने जून 2018 में एक रिपोर्ट पेश किया का नाम था ग्लोबल सेल्स 2017। बोले तो 2017 में दुनिया भर में कितने लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे और कितना टर्नओवर इस बिजनेस ने, डायरेक्ट सेलिंग ने दुनिया भर में किया। इस रिपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से पिछले साल 2017 में दुनिया भर में करीब करीब 13 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हुआ। जी हां, 13 लाख करोड़ का बिजनेस मात्र 2017 में हुआ डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। यूएस नंबर वन पे था करीब 2,44,000 करोड़ के आसपास। नंबर टू पे अपने पड़ोसी थे चाइना से 2,40,000 करोड़ के आसपास। कोरिया ने, जापान ने 1,00,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया सन 2017 में। इवन अपना पड़ोसी थाईलैंड, वहां पे बिजनेस हुआ करीब करीब 19,000 करोड़ से ऊपर, और हम इंडिया में कर पाए मात्र 10,591 करोड़। और यकीन मानिएगा, इंडिया आज वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमीज में से एक है। अगर बाकी सारी इंडस्ट्रीज ने इंडिया में कमाल कर रखा है तो वो समय दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब इंडिया में भी ये बिजनेस बूम करेगा और कमाल करेगा। और आंकड़ा आपको बताता हूं, चौंकाने वाली खबर आपको बताता हूं कि कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, राइट, किस किस कंट्री में इन्वॉल्व है। ये संस्था बता रही है करीब करीब 11,67,00,000 से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग में पिछले साल इन्वॉल्व थे, राइट। सबसे ज्यादा नंबर था अमेरिका में, अमेरिका में करीब 1,86,00,000 लोग थे जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे। कोरिया में करीब करीब 83,00,000 के आसपास लोग थे जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे। ताइवान जैसे छोटे से कंट्री में 29,00,000 लोग थे जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे। अगर हम इंडिया की बात करें तो पिछले साल करीब 51,00,000 लोग थे जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे। जितने कंट्रीज मैंने बताया आपको, इन सब की अगर हम पॉपुलेशन अगर देखेंगे और इंडिया को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। और जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं ये WFDSA.org पे उपलब्ध है। अगर यूएस में ये काम दौड़ रहा है, चाइना में दौड़ रहा है, थाईलैंड में दौड़ रहा है, जर्मनी में दौड़ रहा है, फिलीपींस में दौड़ रहा है, मलेशिया में दौड़ रहा है, सिंगापुर में दौड़ रहा है, ब्राजील में दौड़ रहा है बॉस, तो यकीन मानिएगा ये ग्लोबल ट्रेंड है, ये ग्लोबल फिनोमेना है और इंडिया में भी ये बिजनेस बूम करेगा। और जो ये आंकड़े मैंने आपको बाकी देशों के लिए बताए, अगले 5 से 10 सालों के अंदर में इंडिया में भी हम इनसे बड़े नंबर्स की बात जरूर करेंगे। मेरे पास जो दूसरे आंकड़े हैं इस बिजनेस की ग्रोथ को सर्टिफाई करते हुए आंकड़े हैं, जो कमाल की फिगर्स हमारे पास हैं, वो हैं फिक्की की तरफ से। फिक्की क्या है? फिक्की इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की एक एपेक्स इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी बॉडी है जो हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज की प्रमोशन के लिए, वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है 1927 से। जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था तब से फिक्की काम कर रही है। आप फिक्की की वेबसाइट पर जाएं www.fikki.in और वहां से आप कुछ रिपोर्ट्स को डाउनलोड करिए, पढ़िए आप उन रिपोर्ट्स को। मैं आपको एक दो रिपोर्ट्स के बारे में जिक्र करता हूं। 2017 के नाम से फिक्की की एक रिपोर्ट मुझे फिक्की की वेबसाइट पे मिली जिसमें इस बिजनेस के बारे में फिक्की और एक नामी इंटरनेशनल कंसल्टेंसी है KPMG, उन्होंने कुछ आंकड़े बताए हैं। फिक्की और KPMG के हिसाब से 2025 तक हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कारोबार हो जाएगा 64,500 करोड़। यस, यू आर हर्ड मी राइट, 2025 आते तक हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग करेगी 64,500 करोड़ का बिजनेस। एंड
कितने लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, फिक्की और केपीएमजी की इस रिपोर्ट और उस आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 1,80,00,000 इंडियंस विल बी डूइंग डायरेक्ट सेलिंग माय डियर फ्रेंड्स, 1,80,00,000 इंडियंस विल बी डूइंग डायरेक्ट सेलिंग बाय 2025। और एक और अच्छी खबर वुमेन के लिए, लेडीज के लिए, इसमें से 60% महिलाएं होंगी। तो करीब करीब आप मानिए 1,00,00,000 के आसपास महिलाएं 2025 आते तक हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होंगी। अब मैं आपको तीसरी चीज बताता हूं, आप इसी fikki.in वेबसाइट के ऊपर में एक और रिपोर्ट देखिएगा, वो है डायरेक्ट 2016। एंड आई फील वेरी प्राउड टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू। ध्यान से इस इन्फॉर्मेशन को सुनिएगा, और आपको भी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं या आप आने की बात सोच रहे हैं तो आपको नाज होगा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं, आपको फक्र महसूस होगा। डायरेक्ट 2016 रिपोर्ट का टाइटल क्या है? टाइटल है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन बिल्डिंग इंडिया। Yes, my dear friends, वो रिपोर्ट आंकड़े बता रही है किस तरह से 2016 में डायरेक्ट सेलिंग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स के में कंट्रीब्यूशन दिया। और इन प्रोजेक्ट्स के नाम बोलता हूं आपको, आपने सुने होंगे ये सारे प्रोजेक्ट्स, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट। और इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इन पांचों प्रोजेक्ट्स की कामयाबी में और आने वाले समय में भी देगी। और एक छोटी चीज मैं आपको बताता हूं, नोटबंदी हुई, राइट, डीमोनेटाइजेशन हुआ, राइट, क्यों हुआ? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सब कुछ ब्लैक व्हाइट करके चलता था, राइट, और गवर्नमेंट चाहती है कि अनअकाउंटेड मनी सिस्टम से बाहर होनी चाहिए, हम साफ सुथरा बिजनेस करें, ऐसा बिजनेस करें जो देश की ग्रोथ के लिए योगदान दें। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 1 रुपया भी अनअकाउंटेड नहीं है, राइट, एक साबुन भी आप खरीदिएगा ना 50 रुपए का तो वो साबुन भी जीएसटी पेड रहेगा, और 1 रुपए की इनकम भी अगर किसी जो भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से वो आपको देंगी तो वो बिना टीडीएस काटे नहीं देंगी। सो छठी चीज जो है इसमें, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया, और उसके अलावा एक और चीज, 0 अनअकाउंटेड मनी, ऑल क्लीन, नीट एंड क्लीन बिजनेस। हम सारे टैक्सेस पे करने वाली इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, और इन टैक्सेस के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान निभा रही है। एक और है मेरा चौथा पॉइंट मेरे पास जो है वो इस बात को प्रूव करने के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बूम करेगी, वो एक नया ट्रेंड है जो पिछले कुछ सालों में दिखाई पड़ रहा है। आप अगर जॉब में बात करें किसी से भी तो नाउ दे आर सेइंग जॉब सिक्योरिटी इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। आजकल नौकरी में जॉब सिक्योरिटी बोल के कुछ नहीं है, राइट, आज ये नौकरी है और कल नहीं रहेगी शायद, इस बात की गारंटी कोई नहीं बोल सकता आज। वो जमाना चला गया जब आप ज्वाइन करें तो आप रिटायर होकर 60 की उम्र में ही बाहर निकलेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन से। सो नाउ पीपल नीड टू क्रिएट समथिंग ऑन देयर ओन। जॉब के साथ साथ लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा अपनी सिक्योरिटी के लिए करने की जरूरत है। पहले दुकानदार भी बहुत सेफ एंड सिक्योर थे, एक बार दुकान खोल दी तो अगले 50 साल तक आपके बाद आपके बच्चे उनके बच्चे उस दुकान को संभालेंगे। लेकिन आज नहीं मालूम किसी को कि अगले 5 साल के बाद आपका बिजनेस रहेगा या नहीं रहेगा, राइट। और छोटे दुकानदार और स्मॉल ट्रेडर्स, दे आर वर्स्ट अफेक्टेड, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आर दी वर्स्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी जायंट्स, बिग प्लेयर्स एंड ऑल दिस थिंग। इस समय में आम आदमी पर, आम दुकानदार पर और नौकरी पेशा आदमी पर एक सेकेंड इनकम क्रिएट करने का जो प्रेशर है ना, वो आज तक जिंदगी में पहले कभी नहीं था। नाउ एवरीबडी नीड्स अ सेकेंड इनकम सोर्स। आज से 11 साल पहले, 12 साल पहले किसी ने मुझे बोला था आप डायरेक्ट सेलिंग करो, और वो लोग मुझे क्या समझा रहे थे, नौकरी करोगे तो जरूरतें पूरी होंगी, नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो सपने पूरे करोगे। लेकिन अगर आज की मैं आपसे बात करूं, 2018 की बात करूं, तो आप सपने वपने छोड़ दीजिए, अगर जॉब करेंगे ना, ढंग से जॉब करिए तो सिक्योरिटी भी रहेगी नहीं रहेगी इस बात की भी गारंटी नहीं है, राइट। सो इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू क्रिएट अ सेकेंड इनकम सोर्स, ये डायरेक्ट सेलिंग से आसान, इससे सरल, इससे सिंपल, इससे पावरफुल, इससे ईजी कुछ और नहीं हो सकता, राइट। सो लॉट ऑफ पीपल नाउ फ्लॉकिंग टू दिस इंडस्ट्री टू क्रिएट अ सेकेंड इनकम सोर्स। पांचवी चीज मैं आपको बोलता हूं, ये बात मैंने की अभी आपसे जो किया मैंने कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी का सवाल उसके लिए जिसके पास जॉब है, जिसके पास जॉब नहीं है उसके पास सिक्योरिटी का सवाल ही नहीं है, राइट। आज मैंने MBA किया था 2003 में, और उस समय में गिनती के MBA कॉलेजेस थे और गिनती के MBA स्टूडेंट्स थे और नौकरी मिल जाया करती थी। आज की डेट में MBAs, इंजीनियर्स, इस तादाद में पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान के अंदर में प्रोड्यूस हो रहे हैं कि उन सबको जॉब्स दे पाना किसी के लिए भी असंभव है। कोई भी इंडस्ट्री इतनी बड़ी मैन पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। आज से कई साल पहले पॉलिटेक्निक्स बनाए गए थे और एक फिलोसफी पे बनाए गए थे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट, बोले तो स्वरोजगार बेरोजगारी का
अल्टरनेट है, सॉल्यूशन है, राइट। और अगर किसी को सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, राइट, और किसी को अपना काम खोजना है, मेरी समझ के हिसाब से बिना पैसे लगाए, बिना रिस्क के, बिना ऑफिस, बिना सेटअप, बिना अपना पुराना काम छोड़े हुए, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कोई काम नहीं है जिसको इतनी आसानी से किया जाए। नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग इन माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इज द ईजिएस्ट वे टू गेट इन टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टू गेट इन टू एंटरप्रेन्योरशिप। और मैं छठी चीज बोलूंगा आपको, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल, विच इज एंटरप्रेन्योरशिप। आज हिंदुस्तान में चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब वाला कोई भी जॉब कर रहा हो या स्टूडेंट हो, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। हिंदुस्तान में हवा है एक, राइट, आई मीन एक ऑरा है, एक माहौल है, क्या एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज अ बूम इन इंडिया अबाउट दिस, राइट। बट ओनली थिंग इज व्हाई मेनी पीपल आर नॉट एबल टू स्टार्ट। लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास तजुर्बा नहीं है, लोगों को डर लगता है, कोई उन्हें कोचिंग करने वाला, मेंटरशिप करने वाला नहीं है, राइट, और उनके पास प्लस पुरानी जॉब या पुराने बिजनेस को वो छोड़ भी नहीं सकते हैं। इस ऐसे सिनेरियो में नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स अ प्रूवन पावरफुल टाइम टेस्टेड सॉल्यूशन टू एंटरप्रेन्योरशिप। अभी पीछे एक मैगजीन है, इंडियन मैनेजमेंट मैगजीन, आप उस मैगजीन का सितंबर 2018 इशू पढ़िएगा। वो इशू क्या बोलता है, नेटवर्क मार्केटिंग इज ए सॉल्यूशन टू एंटरप्रेन्योरशिप बूम इन इंडिया, इट्स ए कैटलिस्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोजन। बोले तो हिंदुस्तान में अगर एंटरप्रेन्योरशिप बूम करेगी तो नेटवर्क मार्केटिंग उसमें कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगी, उसको एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट को, इस सैलाब को तेज करने के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में देगी, राइट। तो मैंने आपको 6 आंकड़े दिए, 6 अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि इंडिया में नाउ इज द राइट टाइम टू गेट इन टू डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। इससे अच्छा समय हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का कभी नहीं था। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, गेट इन टू दिस इंडस्ट्री राइट नाउ, राइट, एक्सप्लोर दिस फॉर योरसेल्फ। खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है, राइट। गेट इन टू दिस इंडस्ट्री, गेट अ फील ऑफ इट, लर्न दिस इंडस्ट्री and then fulfill all your dreams। अब अगर ये इंडस्ट्री इंडिया में इतना बड़ा बूम करेगी तो दो चीजें और ध्यान में रखिएगा। नंबर एक, क्योंकि ये इंडस्ट्री कमाल कर रही है, दुनिया भर में करीब 1930s से चल रही है, राइट, करीब 70-80 सालों से ये इंडस्ट्री चल रही है, तो बहुत सारे इल्लीगल कंपनीज, बहुत सारी गलत कंपनीज भी नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाती हैं। तो जब कभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा लगाएं तो आप ध्यान से, सूझबूझ के साथ सही कंपनी में पैसा लगाइएगा। नाउ हाउ टू चूज राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अगर आपको सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुननी है तो उसके कुछ पैरामीटर्स और फ्रेमवर्क्स हैं, अगर आप उन्हें जानना चाहें तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करिए, वहां डाउनलोड सेक्शन में वो पैरामीटर्स आपको लिखे हुए मिलेंगे, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, वहां पर एक वीडियो मिलेगा एक सही डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कैसे करें, या फिर आप मेरी बुक पढ़िए, उस बुक के अंदर में मैंने एक फ्रेमवर्क दिया है, यूनिवर्सल फ्रेमवर्क, जो दुनिया में कहीं भी काम करेगा, कि आप डिसाइड कैसे करें कि इस कंपनी के साथ काम करना चाहिए या इसके साथ नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग कमाल की इंडस्ट्री है, लेकिन कुछ इलीगल पीपल, राइट, सम बैड पीपल आर स्पॉइलिंग द इंडस्ट्री, राइट। तो आप ध्यान रखिए, आप अच्छी सही नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ ही काम करना चाहिए। और एक और खास चीज मैं आपको बोलूंगा, इंडस्ट्री कमाल की है, और कई बार ये नंबर्स जब मैं देखता हूं कि हिंदुस्तान में 2025 आते तक ये बिजनेस 64,500 करोड़ हो जाएगा, राइट, 1,80,00,000 लोग होंगे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2025 आते तक। तो एक बात और मुझे लगती है कि डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज और स्कूल हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, इंजीनियर के लिए हैं, सीए के लिए हैं, लॉयर के लिए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का क्या करें। अगर आप जेन्युइनली दिल से डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कमाल करना चाहते हैं, इस बिजनेस को समझना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।